चलिए एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराजा आशूर सैनी की जयंती, आज जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, समारोह में सीएम नायब सैनी करेंगे शिरकत। बड़ा अपडेट, महाराजा आशूर सैनी की जयंती, आज जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। और ऐसे में समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी, महाराजा आशूर सैनी की जयंती आज, और समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी भी शिरकत करेंगे। थोड़ी देर में महाराजा आशूर सैनी की जयंती और आज, और ऐसे में आज समारोह का आयोजन किया जाएगा। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ नवीन मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। नवीन, महाराजा सूरसैनी की अध्यक्षता की जयंती है आज, और ऐसे में जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया, राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। और ऐसे में समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां? आज हरियाणा में, हरियाणा का जो राज्य स्तरीय महाराजा सूर सैन जो है वो आयोजन जो है कैथल के अंदर हो रहा है, महाकुंभ है, और इसमें जो है हरियाणा भर से जो है भारी संख्या में लोग जो है आएंगे। इसके लिए जो है बड़ी कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी, और जो है पूरे शहर को जो है वो पूरी दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। जगह जगह पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, चौक जितने भी चौक हैं उनको भव्य ढंग से सजाया गया है, और चंदाना गेट के पास जो है ये एक बड़ा जगह बनाई गई है जहाँ पर जो है ये आयोजन होगा। और यहाँ पर जो है अभी से लोग जो है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं पूरे हरियाणा से, और जो है सैनी समाज के साथ साथ दूसरे लोगों के भी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो मुख्यमंत्री रैना को सुनने के लिए और भी जनता जो है भारी संख्या में पहुंचेगी। और जिला प्रशासन ने पूरा इंतजाम किए हुए हैं, पुलिस का जो है पुलिस चौकसी है, और जो है कैथल की डीसी जो है उन्होंने भी जो है, और पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर जाके सारा जो है वो इंतजाम को, प्रबंधों को देखा था, और सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध किए गए हैं, यातायात की व्यवस्था को किया गया है, और बड़ा भव्य पंडाल बनाया गया है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है बड़े इंतजाम किए गए हैं। लगता है कि भारी संख्या में इस समारोह में जो लोग हरियाणा भर से पहुंचेंगे, और 10 बजे का जैसे समय दिया हुआ है, लेकिन लगता है कि 11 बजे के पश्चात ही मुख्यमंत्री मंच पर आएंगे और जो है लोगों को संबोधित करेंगे। और एक भव्य सम्मेलन जो है ये एक लोगों के अंदर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, इस तरह का आयोजन है ये। ठीक है नवीन मल्होत्रा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।